अभी कॉफ़ी बन रही है। कॉफ़ी बनने के बाद जिम के लिए निकलेंगे। खाना खाने के बाद आधा एक घंटे के बाद कॉफ़ी लेता हूँ जिम जाने से पहले। तो मे बी आप सबको वो ऐसा लगे कि भाई मतलब कॉफ़ी किस टाइम पे ले रहे हैं। मोस्टली सब लोग सुबह कॉफ़ी लेते हैं, बट मैं खाना खाने के बाद जिम को जाने से कुछ 10-15 मिनट पहले लेता हूँ। स्माइल। जब मंडे को मेरा स्क्वाट्स और बेंच था तो काफ़ी हद तक हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद स्क्वाट और बेंच किया था। और मैंने मतलब मेरे साथ अभी वो वियर्ड इंसिडेंट हुआ है कि जब मेरा प्रोग्राम चालू था तो उस बीच में जिम में कंपटीशन था, ये वाले नहीं पिछले वाले। तो मेरा पीआर है 100 बेंच में, 100 नहीं है मतलब इसके पहले भी मैंने मारा है 107 ऐसा कुछ, लेकिन जब पीआर ले रहा था तभी 100 ही गया। तो वो प्रोग्राम में मैंने 100 डाला है, लेकिन तो लेकिन जब मैं वो कंपटीशन में लाइक बेंच का था तो उधर एकदम वियर्ड रूल था कि जो बार है उसका वो लोग लोड काउंट नहीं करेंगे। लाइक बार का अगर 20 और मैंने दोनों साइड 25-25 डाल के मारा तो मतलब 225 यहाँ पे 225 यहाँ पे तो कुछ 120 होता है। तो मतलब 100 ही, तो मैंने 120 मार दिया उस टाइम पे और काफ़ी हद तक ईजी लगा। मैंने इंस्टा पे डाला है वो वाला वीडियो, तो इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे कर लेना। काफ़ी हद तक रील्स वगैरह डालता हूँ मैं वहाँ पे। और तो फिर मैंने जो प्रोग्राम है उसमें 110 डाला है, तो बेंच अभी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। लाइक 110 डाला हो तो जहाँ पे मुझे समझो आज लेना है 70 तो आज मुझे लेना है 90 ऐसा, तो थोड़ा आगे बढ़ गया है। और प्लस वॉल्यूम भी ज़्यादा है, प्लस इंटेंसिटी भी है, तो मुश्किल पड़ता है थोड़ा। और उसमें प्री भी नहीं है, पर अभी विदाउट प्री का भी आदत लग गया है तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। अभी बात बस यहाँ पे अभी कॉफ़ी पी के सीधा जिम के लिए निकल। तो अभी कॉफ़ी रेडी है। जब से प्रोग्राम चालू किया तब से कॉफ़ी ही है, प्री जैसा काम कर दिया। तो कॉफ़ी भी अच्छा अब तक किक देती है, लेकिन वही है कि मोटिवेशन इज़ नॉट बिगर देन डिसिप्लिन। तो बस अभी इसको पी के निकल दें। तो अभी जिम आ चुका हूँ और रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिल गया था, तो इस वजह से अभी थोड़ा आने को लेट हुआ है। तो आज मोस्टली रहेगा डेड के बाद बेंच रहेगा, बेंच के बाद स्क्वाट है। तो आज टोटल पूरा SBD है और उसके बाद शायद 2-3 वेरिएशन है। तो लेट्स सी अभी कैसे जाते हैं। अभी फ़िलहाल वार्म अप चल रहा है, डायनेमिक वार्म अप करूँगा और डायनेमिक वार्म अप होगा और उसके बाद आपको सीधा डेडलिफ्ट के इधर मिलते हैं। She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latchet. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coaxin', she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. She's got a body like a coaxin', she likes to keep the party going. Show me.
when you're undressed. I heard you like to get away. 5 minutes later. तो अभी डेड डन हो गया और डेड में लास्ट का सेट लिया नहीं क्योंकि बार का नर्लिंग जम नहीं रहा था तो थंब पे ज़्यादा आने लगा लोड तो इस वजह से और बैक भी पूरा सोर हो गया दैट्स व्हाई. लेकिन उसके बाद जो बैकडाउन था बैकडाउन लिया. अभी बैकडाउन लेने के बाद जा रहा हूँ चेस्ट के लिए मतलब चेस्ट नहीं बेंच प्रेस के लिए. अभी बेंच में उधर एक बंदा है वो कर रहा है वर्कआउट तो उसका लेग्स है उसका होने के बाद वी विल गो देयर. और आज पिन प्रेस है सपोर्ट के लिए रहता है वहाँ पे. यहाँ पे ये जो है पूरा जो बार है उसको नीचे डाल के फिर से प्रेस करना है उसको मतलब वेट को पूरा डेड करके फिर से प्रेस करना है. तो देखते फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो लेट्स सी कैसे जाता है. और वेट 8 RPM पे तो मे बी 85-90 या फिर 95 पे लूँगा 85-95 के बीच में ही लूँगा. तो लेट्स गो अभी देखते कैसे जा रहा है. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends. 'Cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot. They say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She got a body like a cold thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a cold thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. तो वर्कआउट डन हो गया और अभी घर पे जा रहे हैं. तो काफ़ी हद तक जो वो पिन वाला चेस्ट था तो वहाँ पे अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ लेकिन ड्राइव करते करते बात कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ यू. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. और जो पिन वाला था वो थोड़ा सा हार्ड गया लेकिन जो एंड वाला था वो एकदम अच्छा गया. तो दैट्स इट. अभी घर पे जाके खाऊंगा मोस्टली. तो घर पे रहेगा वही. अभी कुछ प्रोटीन इंटेक वगैरह कुछ चल नहीं रहा है ना क्रिएटिन है ना प्री वर्कआउट है. जो भी है नॉर्मली चल रहा है और इस वजह से थोड़ा डेड में भी प्रॉब्लम आया बट इट्स ओके. अभी आज थोड़ा सा लो फील कर रहा था इस वजह से. लेकिन थोड़ा वर्जिट हो ना मारे. अरे तो विचार कर मारे कैसे. तो अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.